अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आजिल हसनात। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वफाकी वजीर ब्राय इंसानी हकूक खलील जॉर्ज की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। आईजी पंजाब डॉक्टर सुहान अनवर से मुलाकात। पंजाब में अकलीतों के हकूक के तहफ्फुज़ समेत सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। आईजी पंजाब डॉक्टर सुहान अनवर का पंजाब पुलिस वेलफेयर फंड बारे अहम वीडियो पैगाम, देखिए इसी न्यूज बुलेटिन में। पंजाब भर से गुजश्ता 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 61,047 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 4,621 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 44,909 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुजश्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 4,707 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 544 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी फील्ड में मुतहरिक। जीपीओ चौक माल रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। वफाकी वजीर ब्राय इंसानी हकूक खलील जॉर्ज की आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। पास्टर इमरान अफसल, शौकत आशिक, कलीम यूनस, गुलाम रसूल व दीगर वफ्त में शामिल थे। इस मौके पर आईजी पंजाब का कहना था कि पुलिस मिसाक सेंटर्स के क्याम से अब तक 40,000 से ज्यादा अकलीती शहरियों को खिदमात फराहम की जा चुकी हैं। पंजाब पुलिस अकलीतों के तमाम मुकदस प्रोग्रामों, मजहबी मकाम को भरपूर सिक्योरिटी फराहम कर रही है। जड़ावाला सानिया के बाद पंजाब पुलिस ने बैनुल मजाहिब हमांगी के फरोग के लिए कायदाना किरदार अदा किया। मिसाक सेंटर्स का मसीही अफसरान पर मुश्तमिल अमला तरजीही बुनियादों पर अकलीतों के मसाइल हल कर रहा है। वफाकी वजीर इंसानी हकूक खलील जॉर्ज ने पंजाब पुलिस के फलाही इकदाम को सराहा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पंजाब पुलिस वेलफेयर फंड बारे अहम वीडियो पैगाम, इस हवाले से आईजी पंजाब ने मजीद क्या कहा, देखिए इस खसूसी वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पुलिस का वेलफेयर फंड इंतहाई ईमानदारी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और ये इकट्ठा कैसे होता है? ये कॉन्स्टेबल्स, थानेदार, अफसरान, हर शख्स आईजी तक अपनी तनख्वाह का 3% कटवाता है। उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, कुछ वेलफेयर प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं, उससे जो पैसा इकट्ठा होता है उसको हम इन्वेस्ट मजीद करते हैं, और जो प्रॉफिट्स आते हैं वो आपके ऊपर खर्च किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आपसे वादा किया था, हम आपसे 200 करोड़ पैसे ज़्यादा आपके ऊपर खर्च करेंगे। हमने 200 से ज़्यादा खर्च कर दिया। पुरानी स्कॉलरशिप्स क्लियर कर दी, 85 करोड़ की तो सिर्फ स्कॉलरशिप दे दी। फ्यूनरल चार्जेस डबल कर दिए, बच्चों की शादियों के पैसे बढ़ा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला ने इसमें हमें बरकत डाली। अगर आपको पता हो कि हमने पुराने मेडिकल के बिल्स भी अदा कर दिए, और ये तमाम चीज़ें हम ऑनलाइन हो गई हैं, सिर्फ मेडिकल के बिल वेरीफाई किए जाते हैं, और आपके जो बिल्स आते हैं बच्चों की स्कॉलरशिप्स के लिए वो ऑनलाइन ही आते हैं, और पैसे आपको ऑनलाइन ही बांट दिए जाते हैं, और ये सिलसिला इस तरह जारी रहेगा। नए मेडिकल कॉलेज को शामिल किया जा रहा है, नई यूनिवर्सिटीज़ को उसके अंदर शामिल किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, 200 करोड़ से ज़्यादा खर्च करने के बावजूद लगता तो है कि पैसे कम हो गए होंगे। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको उसमें 200 करोड़ रुपया बढ़ा के देंगे, यानी कि पिछले जो फंड है उसके अंदर इंशाल्लाह ताला इजाफा करके देंगे। हम 200 करोड़ नहीं बढ़ाया हमने, बल्कि हमने 300 करोड़ नहीं बढ़ाया, हमने 400 करोड़ नहीं बढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 500 करोड़ से भी ज़्यादा पिछले अमाउंट को बढ़ा दिया, यानी 7.5 अरब को अल्हम्दुलिल्लाह हम अब 12.6 अरब के ऊपर लेके आ गए। हालांकि हमने आपके ऊपर 225 करोड़ रुपया अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो जायज़ हक था वो आपको दे दिया। आपने आगे बढ़ना है इस यकीन के साथ कि आपके घर वालों की तालीम, सेहत, उनकी शादियाँ, आपकी अपनी सेहत, इस तमाम का ख्याल आपकी कमांड यहाँ CPO में रखती रहेगी, पहले से बेहतर रखती रहेगी। ये पैसे ख़त्म नहीं होंगे, बढ़ते रहेंगे। बस लोगों की खिदमत कीजिए, पाकिस्तान की हिफाजत कीजिए, अल्लाह ताला आपका हामी होना सके। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोग रेडार के मुताबिक आज मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहा, जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोग रेडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 157 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 160, पंजाब यूनिवर्सिटी में 136 और सेफ सिटीज में 161 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोग मुख्तलिफ अमराज का बायस बन रही है, जिनसे बचने के लिए आपको माहिरीन सेहत की इन एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल या दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोक से बचाने के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें, और कूड़े को हरगिज़ आग ना लगाएं। ये स्मोग में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोग फैलाने वालों की इत्तला 15 पर दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। DIG ऑपरेशंस लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से तैनात ड्यूटी को भी चेक किया।
सैयद अली नासिर रिजवी ने मुतलिका अफसरान और जवानों को सिक्योरिटी बारे हदायत दी। डीआईजी ऑपरेशंस ने कहा कि अमन अमान के क्याम और शहरियों की हिफाजत के लिए लाहौर पुलिस अलर्ट है। कानून हाथ में लेने और अमन अमान को खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस।